ऊपर वाले ने जात बना के किसी को नीचे भेजा नहीं, ना ही अल्लाह ताला को देखा ना ही भगवान को देखा, मगर ऊपर वाला है करके धरती है। तो वो ध्यान में रखो, हर चीज को तुम जात के नाम पे मत बांटो। जात भगवान ने नहीं बनाई, जात इंसान ने बनाई, जिसके जो सहूलियत है वो हिसाब से इंसान उसका अर्थ निकालता है, वो मत निकालो। यही मैं सबको कहना चाहूंगा। दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है नज़र इंडिया न्यूज़ में, और जिस तरह से एक बुरी खबर आई कल मुमरा प्रोसेस से कि एक पॉजिटिव मिला कोविड-19 का मुमरा में, बहुत अफसोस की बात है। वजह यह है कि कई नेताओं ने, हमारे एमएलए ने और बहुत से एनजीओ ने, खास तौर से कहूंगा मैं, काफ़ी रिक्वेस्ट किया आपसे, काफ़ी अपीलें की कि आप लोग बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत निकलिए। फिर भी देखा जा रहा है कि लोग रास्ते पर हैं, ये चीज़ काफ़ी फिक्रमंदी की बात है। और इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे खड़ी गाँव में, और नगर सेवक हीरा पाटिल कुछ अपील करना चाहते हैं मुमरा की जनता से, इस खड़ी गांव की जनता से, दीवा की जनता से, उन लोगों से जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, इसकी संगीनी को नहीं समझ रहे इस बीमारी की। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, अब भी मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, रास्तों पर उधम मचा रहे हैं, क्या कहेंगे? हालांकि हम लोग ये जो चल रहा है कोरोना जैसा, ये हमारे लाइफ में पहली बार है। मेरे ख्याल से 100 साल की उम्र में भी पहली बार ही देखा होगा। इनका जो अहमियत लोगों को जितना समझना मांगता नहीं समझ में आती, ये बड़ी दुख की बात है। क्योंकि आज आप देखा जाए तो हर जगह पे कर्फ्यू लगने के बाद में लोग घर से नहीं निकलते, मगर कुछ लोग जो 2% या 5%, 2% ही लोग बाहर निकलते हैं, मगर पूरा एरिया का नाम खराब हो रहा है। मैं वो लोग से अपील करना चाहूँगा, सरकार ने भी कर्फ्यू लगाया, बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। कभी कभी न्यूज़ के माध्यम से आपने को ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस वाले भी डंडा मार रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहूँगा, पुलिस वाले तो इतने धूप में बेचारे 24 घंटा काम कर रहे हैं, उनकी भी मानसिकता देखो, क्योंकि वो उनके लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे। ये बीमारी ऐसी है, ये लड़ाई बीमारी नहीं, लड़ाई है। और ये लड़ाई घर में बैठेंगे तो जीत जाएंगे, अगर रास्ते पे आ जाएंगे तो वो मोती लिखी है। तो मैं सब लोग से कहना चाहूँगा, सरकार के माध्यम से जो भी चीज़ यहाँ पे सरकार अपील करती है वो आप फॉलो करो, क्योंकि ये सब अपने लिए खुद के लिए है। और निकलते जो 1-2% लोग निकलते, उनको भी मैं विनती करूंगा, आप मेहरबानी करके मत निकलो, क्योंकि ये बीमारी अलग चीज है। इसका जो बीमारी है उसका थोड़ा सोचो, गहराई तक सोचो, क्योंकि ये बीमारी बाहर निकलने से ही फैलती है। तो मुमरा में दुख की बात है कि अभी मुमरा में कल एक पता चला, वो भी शायद हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में उनको टीबी का बीमारी था, और बीमार लोगों को जल्दी लागन होती है। ये जो मसल पावर उनका कम होने के बाद में आदमी ऑटोमेटिक जो बीमारी आती है उसका शिकार बनते हैं। तो लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप मत निकलो, मेहरबानी करके मत निकलो। अपने आमदार आवार साहब हाथ जोड़ के बेचारे अपील करते हैं, लोगों को परेशानी नहीं होना मांगता। इसके लिए उन्होंने सब बंदोबस्त किया, खाना खाने तक भी बंदोबस्त किया है, तो क्यों निकल रहे हैं लोग? लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के निकलते हैं। प्लीज मत निकलो, मैं अपील करूंगा, प्लीज मत निकलो। और अपने बीवी बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये आप बाहर निकल के तकलीफ मत दो। सर, जिस तरह से 2 दिन पहले मीडिया में बहुत बवाल मचा कि मरकज हिंदू मुसलमान, अब कोरोना का मजहब भी बता रहे हैं लोग, आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या मैसेज है? क्योंकि जो गलत फहमियां फैल रही हैं, अब ये हिंदू मुस्लिम तो चलता ही था, अब इस बुरे वक्त में भी मीडिया इसको उछाल रहा है, तो ऐसे मीडिया को क्या कहेंगे जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं? देखो, बीमारी जो आई है हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, मगर अमेरिका में वो चीज़ नहीं है, चाइना में वो चीज़ नहीं है, इटली में वो चीज़ नहीं है। ये जो ऐसा खामोश लोग रहते हैं वही ये लोग चीज बढ़ाते। ऊपर वाले ने जात बना के किसी को नीचे भेजा नहीं, ना ही अल्लाह ताला को देखा ना ही भगवान को देखा, मगर ऊपर वाला है,
ऊपर वाला है करके धरती है, तो वो ध्यान में रखो, हर चीज को तुम जात के नाम पे मत बांटो। जात भगवान ने नहीं बनाई, जात इंसान ने बनाई, जिसके जो सहूलियत है वो हिसाब से इंसान उसका अर्थ निकालता है, वो मत निकालो। यही मैं सबको कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हैं नगर सेवक हीरा पाटिल, बेहतरीन ख्याल थे इनके कि बीमारी कोई जात या मजहब देखकर नहीं आती, ये जो बीमारी है ये आई है, ये आप लोगों के लिए एक सबक है। और एक बात हम कहेंगे, इस बीमारी ने हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों में जहाँ पे नफरत थी उसे मोहब्बत में बदल दिया। आज हिंदू और मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और यही हिंदुस्तान की असली खूबसूरती है। और यही बात हीरा पाटिल सर ने भी आपसे कहना चाहिए। इसके साथ ही हम उन सभी तंजीमों का, उन सभी संस्थाओं का, पुलिस वालों का, पत्रकारों का, उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस मौजूदा बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।